हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एक बार फिर से हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल दुष्यंत चौटाला को बिना हेलमेट के बाइक चलाना काफी महंगा पड़ गया है। दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में बाइक पर एक जुलूस निकाला था, इसमें वह खुद एक बुलेट बाइक चलाते हुए नजर आए हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए दुष्यंत चौटाला की बाइक का चालान काट दिया है, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स के अनुसार दुष्यंत चौटाला बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। यही नहीं, जुलूस में शामिल 15 अन्य बाइकों का भी चालान किया गया है। इसमें जिस बाइक पर एक व्यक्ति सवार था उसके लिए 1000 और जिस पर दो लोग सवार थे उस बाइक का चालान 2000 रुपए का किया गया है। बता दें कि जिस बाइक पर दुष्यंत चौटाला बैठे थे उस पर दो अन्य लोग भी सवार थे, इसलिए उनकी बाइक का भी चालान 2000 रुपए का किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेजेपी ने रविवार को गोंची में एक जनसभा का आयोजन किया था, जिसमें दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो अपने समर्थकों के साथ 15 बाइकों पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे, जिसका बाद में वीडियो काफी वायरल हुआ और फरीदाबाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए दुष्यंत का चालान काट दिया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दुष्यंत चौटाला खुद ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, जनता की सेवा क्या करेंगे। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष दुष्यंत के कटे चालान को चुनावी मुद्दा बनाता है या नहीं।